लंबे समय बाद छलका अजिंक्य रहाणे का दर्द। क्या सेलेक्टर्स ने खत्म कर दिया है करियर? रोहित शर्मा को बार बार मौका, लेकिन रहाणे की अनदेखी। अनुभवी टेस्ट क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को साउथ अफ्रीका दौरे से बाहर कर दिया गया था और उसके बाद उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ भी पहले दो टेस्ट मैचों के लिए टीम में जगह नहीं मिली। जो अजिंक्य रहाणे WTC फाइनल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया के लिए संकट मोचक बने थे, क्या उन्हें इतनी जल्दी भुला देना सही है? इस मुद्दे पर अब दिग्गज ने अपने दर्द का इजहार किया है। अपनी कप्तानी में भारत को ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जिताने वाले अजिंक्य रहाणे ने रणजी ट्रॉफी 2024 में मुंबई के लिए अच्छा प्रदर्शन करने का लक्ष्य रखते हुए अपने करियर में 100 टेस्ट मैच खेलने की बात कही है। दाएं हाथ के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे, जो अब भारतीय चयनकर्ताओं की सूची में नजर नहीं आ रहे हैं और रणजी में मुंबई की कमान संभाल रहे हैं, पिछले साल रहाणे की तरफ से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए IPL में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसके दम पर उन्होंने WTC टीम में जगह बनाई थी। एक इंटरव्यू में अजिंक्य रहाणे ने कहा कि वे भारत के लिए कम से कम 100 टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं, उनका अब यही एक सपना है। साथ ही रहाणे ने कहा उनका वर्तमान में लक्ष्य मुंबई को रणजी ट्रॉफी का खिताब दिलाना है। रहाणे का ये बयान तब आया है जब उनकी टीम मुंबई ने आंध्र प्रदेश को 10 विकेट से शिकस्त दी। इसके बाद अजिंक्य रहाणे कहते हैं, मैं एक समय में एक गेम में मुंबई के लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं। मेरा लक्ष्य रणजी ट्रॉफी जीतना है और सबसे बड़ा लक्ष्य 100 टेस्ट मैच खेलना है। रहाणे ने भारत के लिए आखिरी बार पिछले साल जुलाई में पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था, जहां उन्होंने 36 गेंदों पर 8 रन बनाए थे। अजिंक्य रहाणे ने अपने करियर में कुल 85 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 38.46 की औसत से 12 शतक जड़ते हुए 5,077 रन बनाए हैं। वहीं रहाणे ने अपने करियर में 90 वनडे और 20 T20 मुकाबले भी खेले हैं। रहाणे ने 90 वनडे में 3 शतकों की मदद से 2,962 रन बनाए हैं, तो वहीं T20 में रहाणे के नाम 20.83 की औसत से 375 रन दर्ज हैं। इंडिया TV क्रिकेट की रिपोर्ट।